अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो जो आज की वीडियो है वो होने वाली है, जो भी लोग नेक्स्ट ईयर का टेस्ट देने का प्लान कर रहे हैं तो उनको क्या क्या प्रिपेयर करना है। इस सीरीज़ में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, बट आज जो मैं देने वाली हूँ वो है फैकल्टी ऑफ लॉ से BA LLB अगर आप करना चाहते हैं, दैट इज़ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स विद LLB, जो कि 5 ईयर प्रोग्राम होता है। तो इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करना होगा। फैकल्टी ऑफ लॉ, देयर शैल बी 1 पेपर ऑफ 100 मार्क्स कंसिस्टिंग ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी कि एक पेपर होगा 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे। और कैसे होंगे क्वेश्चंस? ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। इसके लिए क्या क्या चाहिए आपको? तो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश होना चाहिए 40 नंबर, और आपका करंट अफेयर जनरल नॉलेज होना चाहिए, लीगल इश्यूज़ की जानकारी होनी चाहिए 40 नंबर, और रीजनिंग और एप्टीट्यूड आपको आना चाहिए 20 नंबर। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस। देयर आर ओनली 3 थिंग्स विच यू नीड टू प्रिपेयर। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, यानी आप इंग्लिश में काफ़ी प्रोफिशिएंट होने चाहिए, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, स्पीकिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा रिटन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। करंट अफेयर और जनरल नॉलेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज दोनों आपके लीगल इश्यूज़ के, मतलब लीगल इश्यूज़ के दायरे में आ रहे हों, ये समझ रहे हैं आप? मतलब जितने भी हमारे लीगल इश्यूज़ हैं, जो भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटे बड़े लीगल इश्यूज़ होते हैं, उनसे आपके करंट अफेयर्स और उनकी आपकी जनरल नॉलेज कैसी है, उनके हिसाब से हम ये चीज़ को चेक करेंगे। ठीक है, 40 नंबर के क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आएंगे, और 20 नंबर आपका रीजनिंग और एप्टीट्यूड। रीजनिंग और एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं पूरा इस पे जो लास्ट ईयर पेपर्स हैं उनको लेकर भी आपको बताऊँगी कि किस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।